गाइस पता है, अब जब बनारसी साड़ी की शॉपिंग छोड़ो, मामा मासी का फर्क है, बनारसी साड़ी की शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साड़ी पहन के ही जाएंगे। लगा दी मस्त साड़ी मिला है भाई। हमने सोचा था कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ साड़ी लेंगे, लेकिन हमने उसका डबल ट्रिपल ले लिया है। भैया ने बहुत पेशेंस के साथ हमें लूटा है, मस्त लूटा है, बट ठीक है। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया। आई एम रजत। टुगेदर वी रजत प्रिया ब्लॉग। यस, मेरे को पता नहीं प्रियाशी आ जाता है बोलते बोलते ना आदत हो गया है। खैर गाइस, गेस करो हम लोग कहाँ है। कैसे गेस कर सकते हो, हमने तो कहीं स्टोरी भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। पता है क्या, नेपाल जाते वक्त ना हम स्टोरी डाल दिए थे, पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रिप इतना अनसक्सेसफुल हो गया ना, इसलिए अब हम सोच लिए है कि कहीं भी शादी रिगार्डिंग जाएंगे ना, हम कहीं स्टोरी वगैरह डालेंगे ही नहीं, कोई स्टोरी नहीं लगाना, किसी को पता नहीं है कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। और जब काम पूरा हो जाएगा तब हम लोग बताएंगे कि गाइस हम लोग है यहाँ। तो चलो बता देते हैं, हम लोग आए हुए हैं बनारस, या मेरा दूसरा टाइम है, रजत का पहला टाइम है। इसको मतलब बहुत पहले से मन कर रहा था कि दोबारा से बनारस जाएंगे, बोले चलो ले घुमाए ही आते हैं। दोबारा से मन कर रहा था, पर आपके साथ मन कर रहा था, क्योंकि पहले बार आए थे तो पेरेंट्स के साथ हम पूरा काशी विश्वनाथ टेम्पल, सारा टेम्पल, सारा घाट एक्सप्लोर कर लिए थे, लेकिन रजत के साथ करने का मेरे को बहुत ज्यादा मन था, भगवान जी के दर्शन। तो हम लोग आए हुए हैं बनारस दो काम से। पहला काम ऑलरेडी डन सक्सेसफुली, कौन सा काम है उसके बारे में आप लोगों को कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। एंड दूसरा काम है, शादी का शुभारंभ हो चुका है गाइज, और सारे रिचुअल्स का भी कुछ दिनों में हो ही जाएगा, तो हमने सोचा है कि क्यों ना भगवान के आशीर्वाद से इस शुभ काम का शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले सोच रहे हैं यहाँ का जो भी है गंगा आरती देखेंगे, यहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें जाके घूमेंगे, और अगल बगल का जितना भी मतलब मंदिर वगैरह सबको एक्सप्लोर करेंगे, जाके सब देखेंगे। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि बनारस से मेरे को ना साड़ियों की शॉपिंग भी करनी थी, बनारसी साड़ी और सिल्क साड़ी। बनारसी साड़ी यहीं से मिलता है ज्यादा अच्छा ना, तो कुछ अच्छा तो हर जगह मिलता है, पर बनारस इज फेमस फॉर इट्स ऑथेंटिक बनारसी साड़ी एंड सिल्क साड़ीज, तो क्यों ना हम लोग यहीं से ले। हाँ, तो यहीं से इसको बनारसी साड़ी लेना है, हम भी सोच रहे हैं मम्मी के लिए ले ही लेंगे। हाँ, हमको भी लेना, अपनी मम्मी के लिए, रजत की मम्मी के लिए, सबके लिए साड़ी की शॉपिंग लेनी है करनी है। तो चलो गाइस, इस पूरे प्रोसेस में आप लोग हमारे साथ रहोगे ताकि आप लोग सब कुछ देख पाओ कि पर्दे के पीछे क्या होता है एग्जैक्टली। बहुत स्ट्रगल होने वाला है इस वीडियो में, बहुत दौड़ धूप दिखने वाली है आप लोगों को इस वीडियो में, और हम लोग ये सारी चीजें इसीलिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना रजत, ताकि अगर हम दोनों के बाद अगर कोई अपनी शादी की शॉपिंग के लिए आए या फिर मंदिर दर्शन के लिए आए, तो आपको पता है कि आप लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी डिटेल्स वीडियो में हम लोग अभी इसके बाद देंगे। लेकिन पहले थोड़ा शक्ल सूरत ठीक कर ले, यहाँ पता है ठग भी बहुत है, और इस वीडियो को देख के आपको सब आइडिया लग जाएगा कैसे कहाँ क्या जाना है, क्योंकि हम लोग 2-3 बार ठगा गए। हम तो बहुत ठगाते हैं इसीलिए हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, ताकि आप लोग नहीं ठगाओ। तो रजत, आप तो हीरो बन के बैठ गया, मैं तो हीरोइन बनने दो। ओके, हीरोइन बनने दो इसको, तब तक फिर आते हैं। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं, और आप देख रहे हो ये पहले रेडी हो चुके थे, बट मेरे को इतने सुंदर अवतार में देख करके इनको फोमो होने लगा, और खुद भी फॉर्मल पहन लिए। हम एकदम से इसके साथ मैचिंग पहन गए, कितना सुंदर लग रहा है, व्हाइट ब्लू पहनते तो कैसा लगता, बताओ गाइस। पता है, अब जब बनारसी साड़ी की शॉपिंग छोड़ो, मामा मासी का फर्क है बनारसी साड़ी की शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साड़ी पहन के ही जाएंगे। मेरे पास बनारसी नहीं है और सिल्क नहीं है, इसलिए बनारसी सिल्क नहीं पहने हैं, और ऑब्वियसली मंदिर और घाट भी जाना है, तो इससे बढ़िया अटायर क्या होगा। मेरे को इतना बढ़िया लग रहा है, मेरी मम्मी ये ब्लाउज बनाई है, क्या सही ब्लाउज मम्मी बना करके दियो। और आपको पता है ये ब्लाउज ना रातों रात बनाया, मतलब रात में कपड़ा खरीदी है तुम, इसके बाद 7 बजे कपड़ा नहीं खरीदा, ये कपड़ा आया था अस्तर, 7 बजे अस्तर मम्मी लाई, और रात भर में बना करके सुबह 11 बजे मेरे को हैंड ओवर कर, दो घंटे ऑब्वियसली, क्योंकि वो रात में मम्मी सोई भी थी। माँ कसम, पूरा लुक दिखा क्या। सो गाइस, ये देखो इसका आज का लुक, वाओ क्या ही सुंदर लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। लुक सुंदर नहीं लग रहा है, मैं सुंदर हूँ ये बोलना चाहिए आपको। यस, तुम ही सुंदर लग रही है। यस, और पता है गाइस, इस साड़ी के साथ मेरे को पहले मन था व्हाइट चूड़ी लेने का और कुछ एडिनप का इयररिंग पहनने का, फिर हम सोचे नहीं थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट रखते हैं, और ये वाला चूड़ी कलर पहनने का कैसे मन किया तुमने, कॉन्ट्रास्ट रखने के लिए कि ऑरेंज के साथ ऑरेंज नहीं जा करके कुछ अलग डालते, तो इसके साथ मैच करने का हम कोशिश किए। पता नहीं कैसा लग रहा है, मेरा पहला ट्राई है, तुम साड़ी वाड़ी पहनते नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा था, बस आपको अच्छा लगे और क्या चाहिए, बस 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 और क्या चाहिए। आपका भी दिखा दे क्या,
मेरा तो नॉर्मल है, ठीक है, हम तो ऐसे ही अच्छे दिखते हैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये देखो ये रजत का अटायर, ये चप्पल चेंज होगा, अभी जूता पहनेंगे। और इनका पेट बहुत बड़ा हो गया है, वो ढकने के लिए ये बस बड़े को पेट चपका लिया। ओ माय गॉड, थोड़ा सा पेट ज्यादा हो गया गाइस, हम जाएंगे जिम वर्कआउट करेंगे और पेट को एकदम अंदर ऐसे कर देंगे, और बॉडी बनाना है थोड़ा सा बाइसेप। बॉडी तो बन नहीं रहा, बस पेट बाहर आ रहा है। सही में यार पेट ही निकल जा रही है, कोई इलाज बताओ यार, कमेंट करके बताओ। कोई इलाज नहीं, हम प्यार कर रहे हैं, उसकी निशानी है पेट फूलना। थोड़ा सा कम कर दो, पेट कम हो जाएगा। प्यार कम करना स्टार्ट कर दे। ओके ओके गाइस, ओके चलो यार, पेट पे खाली प्यार मत करो, इधर भी करो। नहीं हम तो पूरा कर रहे हैं, वो दिख वहाँ रहा है इकट्ठा होके। क्यों दिख रहा है तो? वो तुम जानो, तुम्हारा बॉडी इधर इधर भी साइड में थोड़ा करो, साइड में कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर मेरा ब्लाउज आपको आना लगेगा। ठीक है, ओके। लुक कैसा दिख रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है, पर रजत को पसंद नहीं आ रहा, इनको कोई ग्रीन कलर का पैंट पहनने का मन करता है। नहीं हमको नहीं चलो, यही अच्छा लगा मेरे को, ये कलर का दिए, लेकिन चलो ठीक है, इसको पसंद है तो पहन लेते हैं। चलो चलो अब निकले क्या? चलो चलो। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी तक हमने नाश्ता पानी नहीं किया है, सो वी थॉट कि सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो हम चाय पियेंगे, यहाँ का बनारस का चाय पीना है, कि मतलब सबसे अच्छा चाय कहाँ मिलता है आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पी के देखेंगे। लोग बोलते तो है, हम तो ट्राई किए, मेरे को तो अच्छा लगा है, यहाँ का हर कुछ अच्छा है यार, आप कहीं से भी कुछ भी खा लो आपको सब अच्छा लगेगा, आपको पछतावा नहीं होगा। मेरे को बनारसी पान भी खाना है। कल पता है क्या बता, हम लोग ले करके रखे हुए थे, रजत सो गए जल्दी, हम खा गए सब, क्योंकि बनारस के पान की तो बात ही कुछ और है। खैर अभी जा रही चाय नाश्ता, पूरी सब्जी, लस्सी, ताकि दिन भर हमारा पेट ठंडा रहे। लस्सी जो पिए थे बढ़िया, लस्सी पिए थे हम लोग पहले, मतलब रास्ते में ही, वो बढ़िया था। खैर अभी चलो हम लोग कहाँ स्टे कर रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, एंड मंदिर के जस्ट बगल में हमने स्टे लिया हुआ है, ताकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, कि वहाँ जाकर ट्रैवल में हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ज्यादा दूर हो जाता है तो बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भीड़ क्राउड इतना ज्यादा है कि हम लोग कहीं भी जाने में जहाँ पे 10 मिनट लगता है वहाँ पे 1 घंटा लग रहा है। सही बात है, तो चलो गाइस, और क्या बोले, गली का यहाँ का हाल तो बता ही नहीं सकते हम लोग, अपना गाड़ी फोड़ लिए हम लोग। चलो चलो, और हमारे साथ हमारे है चंगू मंगू भी, उनसे भी मिलो। गाइस इनको देख लो, मैडम को चश्मा वश्मा लगा के रेडी है, पूरा सजी धजी कर रहा है, एंड चंगू इसका बेचारे का तबियत बहुत खराब हो गया है, एंड ये रहा आकाश, आज ये ड्राइव, आज क्या पूरे ट्रिप में यही ड्राइव कर रहा है, बड़ा मजा आता है इसको ड्राइव करने के लिए। सो गाइस बनारस की गलियों से होते हुए सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि खाली पेट ना अभी दिन भर हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते थे, हमने सबसे पहले ऑर्डर किया कचौड़ी चाट, उसके अलावा पूरी और सब्जी। पूरी सब्जी तो इतनी अल्टीमेट थी कि आप लोगों को क्या ही बताए, खाते हुए ही मजा आ गया। नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे अकोमोडेशन की ओर, तो चलो बताते हैं कि हम लोग कहाँ ठहरे हैं। सो गाइस हमारा रूम बुक हो चुका है, जो कि हम लोग बुक किए हैं yatradham.org से, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको रूम अवेलेबल करा देते हैं। और yatradham.org जो रूम्स अवेलेबल करवाते हैं मेन मार्केट में होते हैं, अभी भी यहाँ पर आपको पो 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 की आवाज आ रही होगी ना, आपको पता है यहाँ से गंगा घाट कितनी देर की दूरी पर है, केवल 300 मीटर्स, साथ ही साथ दुर्गा मंदिर 700 मीटर्स, और काल भैरव मंदिर यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे, और संकट मोचन मंदिर यहाँ से बस 400 मीटर दूरी पे, मानस मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है, इसके अलावा BHU केवल 7 किलोमीटर की दूरी पे है, रेलवे स्टेशन कितना नजदीक है, 4 किलोमीटर की दूरी पर बस यहाँ से, अगर आप ट्रेन से भी आते हो तो 4 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको यात्रा धाम से रूम बुक कर लेना है, और फिर इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ओवर बुकिंग भी चलती है, हमारे पीछे आप देख ही सकते हो, हमें भी ना कैसे कैसे एक रूम गलती से मिल गया, अदरवाइज यहाँ पर रूम्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आना है। यहाँ की सबसे बढ़िया बात यह है ना कि अगर ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद भी कभी आप लोग समय से पहले यहाँ आ जाते हो ना, तो आप लोगों के कंफर्ट के लिए ये लोग बढ़िया सा लाउंज एरिया भी बना करके रखे हुए हैं, जहाँ पे आप लोग आके वेट कर सकते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा है, अगर आप लोगों के पास बहुत सारा लगेज है ना, तो आप लोगों को ऊपर फ्लोर पर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाय द वे इसके अलावा भी एक और फ्लोर है, एंड यहाँ से आप लोग रूम्स की संख्या देखो, कितने सारे रूम्स है, आपको पता है गाइज यहाँ पर आपको AC, non-AC हर टाइप के रूम मिल जाएंगे। इसके अलावे यहाँ पर सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड, 7 बेड, 8 बेड भी, सारे टाइप के बेड आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आप लोग अपने गांव को भी उठा के साथ में लाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आ जाओ
तो ये रहा हमारा रूम, और ऐसे हमने दो रूम्स बुक किए थे। रूम्स काफ़ी खूबसूरत है और सारे बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड किए हुए थे। साफ सफाई का भी पूरा ध्यान दिया गया था। बाथरूम देखकर मन खुश हो गया था हमारा। गीजर की फैसिलिटी है, शावर एरिया भी अलग है, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू सब अवेलेबल है। पता है गाइस, किसी भी अकोमोडेशन को बुक करने से पहले मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि एटलीस्ट वॉशरूम और बेडशीट तो साफ होने ही चाहिए। और मैडम इसलिए भी बहुत खुश है क्योंकि इनके तैयार होने के लिए एक फुल लेंथ मिरर भी है और उसके साथ में एक बड़ी सी खिड़की भी। अब तो इनका गेट रेडी विथ मी वीडियो बहुत ही बढ़िया से बने। ऑब्वियसली यार, लड़कियों के लिए तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है गाइस, yatradham.org से अगर आप लोग होटल बुक करते हो ना, तो वहाँ आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ आपको 500 से लेकर के 3300 के रूम्स के ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से रूम्स को बुक कर सकते हो। यहाँ पर आपको AC, non-AC हर तरीके के रूम मिल जाएंगे। सो गाइस, अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए yatradham.org से रूम बुक जरूर करना ताकि आपकी जर्नी इजी एंड मजेदार हो जाए। यात्रा धाम का लिंक हमने आप लोगों के लिए कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं अब गंगा आरती देखने को, और आज हम लोग टाइम पर पहुंच जाने चाहिए ऐसा हमने सोच करके पहले से ही टाइम को शेड्यूल कर लिया है कि कुछ भी हो जाए गंगा आरती मिस नहीं। तो गंगा आरती मिस नहीं होनी चाहिए। स्टाइल माने के साड़ी तो पहन ली है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। तो रिक्शा पे हमारी सवारी बैठ गई है और आकाश को पीछे एकदम बैठा दिया हम लोग, अकेले टंगा के बैठा। यार रांची में तो अजब, हम लोग ज्यादा रिक्शा पे बैठते भी नहीं ना रानी, रांची कितना टाइम हो गया। और रांची में ये वाला रिक्शा भी नहीं है पीछे टंगा के बैठने वाला। ये इधर मेरा भाई पीछे बैठा है, ये मजेदार है, यहाँ पर मजा आता है। पता है गाइस, दो कदम के लिए हम लोग रिक्शा लिए, लाइक सीरियसली इतना रिग्रेट हो रहा ना, सीरियसली एकदम सामने सामने घाट है सामने। कोई बात नहीं, अब से नहीं लेंगे, अभी हम लोग ले लिए, आगे से नहीं लेंगे, है ना। आप लोग देख सकते हो कि गंगा आरती के लिए कितना ज्यादा क्राउड लगा हुआ है। यार इतना ज्यादा क्राउड लग रहा है, एकदम कुंभ के मेले में आ गए हैं। हाँ। वाला भीड़ है भाई। सही में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग नाव पे एकदम आ गए पानी में बैठे और सबसे पहले नाव पे हम ही लोग। पता है अभी हम लोग भुला भी गए थे कि फोटोज हम लोग कौन से भैया से लिए थे, लेकिन फाइनली भैया मिल गए और अभी बस फोटो सेलेक्ट करके प्रिंट आउट निकाल रहे हैं उसका, एक हार्ड कॉपी हो जाएगा तो एक रहता है ना कि मेमोरी हो जाएगा। तो वही जीजू और यहाँ पर दीदी बैठी हुई है, आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, तो जीजू और दीदी सेलेक्ट करेगी कौन सा फोटो निकलवाया जाए। ये देखो गाइस, ये पहली फोटो मस्त है, मस्त मस्त। भैया दूसरी वाली, अच्छा दूसरी वाली आ रही है गाइस, आ रही है। बस बस दिखा, जलन खोर। ये मेरा मुंह अच्छा नहीं दिख रहा। दीदी अपनी फोटो से सेटिस्फाई नहीं हुई है तो ये फिर से भैया को बोली कि भैया मेरा फोटो ले दो। ओ माय गॉड, भैया पूरा डेडिकेशन के साथ यहाँ फोटो ले रहे हैं। अब सेलेक्ट किया जा रहा है कि कौन सा लेगी। यहाँ बाबा बोल रहे दीदी को कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। अभी आप लोगों ने सुना ना कि इन बच्चियों ने क्या कहा। भाई इनके कॉम्प्लीमेंट से ना मेरा दिन बन गया और मन में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लड्डू फूट गए। बाय द वे गाइस, ये कुछ कॉलेज की बच्चियां थी जो कि बनारस घूमने के लिए आई हुई थी और रैंडमली हमसे घाट पर मिली, और किस्मत देखो हमारी सब्सक्राइबर भी निकली। सारी ही बच्चियां बहुत ज्यादा प्यारी थी, हमने बहुत सारी बातें की, फोटो शोटो लिए, और हाँ प्राइवेसी पर्पज के कारण इनका फेस हमने ब्लर कर दिया है। सो गाइस, कल तो आपने देखा ही कि हम लोग केवल गंगा आरती देखने गए थे और हल्का फुल्का घाट ही हम लोग घूम पाए क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे ट्रैवल के कारण ना। और आज हम लोग बहुत सारे मंदिर घूमने वाले हैं। कल साड़ी का काम भी हो गया, आज हमें साड़ी भी कलेक्ट करनी है। डे वन पे हमने जो भी साड़ी की शॉपिंग की थी ना, उसकी वीडियोज हम लोग नहीं ले पाए थे क्योंकि संतुष्टि में वीडियोज लेना अलाउ नहीं है। वहां से भी हमने काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में साड़ी ले ली थी, पर टेंशन मत लो, सेकंड डे जितनी भी साड़ी की शॉपिंग हमने की है ना, उसका व्लॉग हमने बनाया है। पर हाँ, उससे पहले थोड़ा भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं क्योंकि कल तो हमने केवल घाट ही घुमा था। शुभ काम से पहले भगवान जी से मिलना भी तो जरूरी है। तो राजा, अरे चुप रहे, तेरा शिकायत। तो राजा, सबसे पहले आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। जी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। उतरिए। आ भी गए। हाँ आ गए, क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव बाबा काशी के गेट कीपर है, तो इनके परमिशन के बिना काशी में एंटर नहीं कर सकते हो। तो पिछले बार तो हमने गलती कर दी थी, पहले हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर चले गए थे। अंदर हमारी दर्शन बहुत अच्छे से हो गई, बहुत फटाफट से हो गई, और अभी हम लोगों ने लिया ये बाबा को, चार पीस हमने लिया है।
घर के लिए भी, हमारे फ्लैट के लिए भी, मम्मी के लिए भी, सबके लिए हमने ले लिया है। और ये सबको गिफ्ट जाएगा बनारस की, बनारस की याद में हमारी ओर से। कितना टफ हो जाता ना कभी कभी, हिंदी बोलना टफ हो जाता है। कैसा लगा मंदिर में दर्शन करके? अच्छा लगा एकदम, सामने सजा के देखे आज, सामने से पहले फोटो में देखे थे, सामने से नहीं देखे थे। पिछली बार भीड़ था, सीढ़ी से ऊंचा हम लोग को नहीं चढ़ने दिया गया था, दूर से ही बस। हाँ देखो, देखो अभी तो ये भी ऑप्शन था कि अंदर जाके एकदम पूजा कर सकते, लेकिन 1100 रुपए बाहर से ही बाबा को। तो बीच में अभी हम लोग छोटा सा चाय ब्रेक लिए हैं, दीदी को नींद आ रहा है तो चाय पी लेंगे, तो हो सकता है एक बार फ्रेश हो जाएंगे हम लोग। और थोड़ा बहुत आप लोगों को तो पता ही है कि सरद गर्म लग चुका है हम लोग को, तो यहाँ बाबा को बोले कि अदरक वाला मस्त कड़क चाय बनाइए। वाओ, यहाँ तो चाय बन भी रहा है। तो जी हम लोग आ गए काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। ये बहुत डेंजरस है, लास्ट टाइम हम लोग आए थे एक आंटी फिसल के गिर गई थी क्योंकि बहुत धूप था। कैसा लग रहा आकाश? ऐसे मत करो, डोंट डू दिस। सो गाइस अभी हम लोग मंदिर के परिसर में आ गए हैं, एंड इसके बाद फोन अलाउड नहीं है, सो यहाँ पर लॉकर में डाल दिया। हम लोग का लॉकर है और ये सारा फोन लाइन से रख रहे हैं, और एक आध फोन जो बचा हुआ है वो भी अभी यूज करके रखेंगे। भगवान जी के दर्शन तो हमें बहुत अच्छे से हो गए थे, उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने मिशन पर जिसके लिए हम लोग बनारस आए थे, साड़ी की शॉपिंग के लिए। लेकिन बीच में हमने खाने के लिए ब्रेक लिया था, और खाने के वक्त हम ब्लंडर ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? आदत से मजबूर दोस्तों, सफेद कपड़ा पहने और गिराए नहीं, ऐसा हो सकता है कभी? तुमको मुस्कुरा रही है कोना कोना में। अभी हम लोग और भी साड़ियाँ देख रहे हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया पसंद आ रहा ना साड़ी यहाँ पे। साड़ी मिला है भाई, जैसा जैसा चाहिए था ना, हमने सोचा था कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ साड़ी लेंगे, लेकिन हमने उसका डबल ट्रिपल ले लिया है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है। ऊपर से जो भैया है ना वो तो और हम लोग को लुटवा रहे हैं कसम से, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं, अदरवाइज फिर और फटका लग जाएगा, मेरा शादी का बजट गड़बड़ा जाएगा। निकलो यहाँ से गाइज, हम तो साड़ी ले ही रहे, रानी को देख रहे हो, रानी भी साड़ी ले रही है। बाय द वे ये सब साड़ी नहीं है, दूसरी साड़ी, और भैया ने बहुत पेशेंस के साथ हमें लूटा है, मस्त लूटा है, बट ठीक है। बस बस देख रहे हो हैंडसम। सो गाइज हमारा यहाँ का तो सब हो गया, अभी हम लोग डिनर विनर करके होटल में आ गए हैं, और आज भी हमने बहुत सारी साड़ियाँ ले ली है, लगभग सबके लिए साड़ी हो गई है, मेरी मम्मी के लिए, इनकी मम्मी के लिए, मेरे लिए, रानी के लिए, सबके लिए हो चुका है। एंड अभी हम लोगों का प्लान तो था यहाँ पर रहने का, बट हमने क्या प्लान किया फिर? हमने ये प्लान किया कि आज रह के रात भर क्या फायदा, बस सोएंगे, तो सोने से अच्छा है कि हम लोग बस यहाँ से निकल जाते हैं रात में। घर वाले भी हमें याद कर रहे हैं, मम्मी भी फोन करके बोल रही थी, पापा भी बोल रहे थे मन नहीं लग रहा है। फिर हम लोगों ने सोचा जो यहाँ पर हम लोग सुबह के 7-8 बजे तक 8-10 घंटे सोएंगे, उतने में तो हम लोग रांची पहुंच जाएंगे जी रात भर में, फिर जाके सुबह में वहां पे सोएंगे। एग्जैक्टली, तो अभी रात के बज रहे हैं 12:15 हो रहे होंगे, प्रोबेबली 9-10 बजे तक हम लोग रांची पहुंच ही जाएंगे। हाँ पहुंच जाएंगे, और हमारा बहुत सारा काम भी है पेंडिंग जो कि जाए करना भी है, बहुत सारा काम है। इनको तो मन नहीं था, हम जबरदस्ती, हमको तो देखो मेरा आँख दिख रहा है एकदम लाल हो गया है, सोच रहे हैं यहाँ सो ले, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आकाश अभी गाड़ी ड्राइव करेगा, आप सो जाओ ठीक है। सो गाइस यही था हमारा बनारस का ट्रिप, बहुत सारी चीजें थी जो रजत को हम लोग नहीं खिला पाए, लेकिन मलइयो पर हमें पता चला कि मलइयो स्पेशली यहाँ पर ठंड में मिलती है। मलइयो बताओ हमको, बोल बोल रहे मलइयो खिलाएंगे, मलइयो कोई मलइयो कुछ नहीं मिला। हाँ एक मिनट। तो गाइज बस यही था हमारा बनारस का व्लॉग, हमारी बनारसी और सिल्क की साड़ियों की शॉपिंग हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारा चीज हो चुका है जो कि आप लोगों को बाद में पता चलेगा। यस, और ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, आपको मजा आया बनारस में? हाँ, मजा आया। कैसा लगा बनारस? हम दोबारा आना चाहेंगे फिर से घूमने। मेरा भी पहली बार यही था कि अगर बनारस मतलब दोबारा आना चाहेंगे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत तिबारा भी आना चाहेंगे, मजा आएगा, मतलब बहुत चीज छूट भी गया है क्योंकि टाइम नहीं था ना, टाइम की किल्लत थी, काम ज्यादा था, घूमने का मौका नहीं था। दूसरे दिन आके मतलब जब आएंगे हम तब, अब शादी के बाद आएंगे, और शादी को आएंगे तो बहुत अच्छे से घूमेंगे, तो बस अब लेट होना निकलते हैं, है ना। हाँ, वीडियो पसंद आएगा इस तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। बाय रानी, यात्रा धाम ने हमारी इस बनारस की जर्नी को काफी ज्यादा इजी और कंफर्टेबल बना दिया। आप लोगों के लिए भी लिंक हमने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, सो इजी अकोमोडेशन के लिए उस लिंक पर क्लिक करें और अपने लिए रूम्स बुक कर सकते हो आप लोग। चलो बाय।